अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास की पहचान है। गवर्नमेंट ने 30 रुपए का रेट दिया हुआ है, हमने 25 का रखा हुआ है। कितना साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये इस दुकान को कितना अर्सा हो गया? इधर हम चलते हैं, इधर का दिखा दे। ओ भाई जलवा जलवा भाई का जलवा देखे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसा आप लोग? मेरे खैरियत से ठीक ठाक हो गए। आज गाइस जैसे कि रमजान मुबारक का महीना चल पाया और आज 5वां रोज़ा होगा। बीच में नहीं पता तो बीच में आ रहा था, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो आज हम आपको दिखाएंगे अपना ये सिंध स्वीट के यहाँ का दिखाएंगे। यहाँ पर यार यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ मिलती है और आइए चलते हैं वीडियो का आगाज करते हैं। आपका ज़्यादा बोर नहीं करता, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। खाना का रोड है, यहाँ से हम चलते हैं सिंध बेकरी में। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और अभी क्या प्राइसेस चल रही है, जैसे कि समोसे कचौरी ये इस चीज़ के हवाले से। आइए सर, रोड क्रॉस कर रहे हैं ध्यान से। मुख्तलिफ अभी है ना असर का टाइम है, बस असर की अजान होने के बाद ही है ना यहाँ पे रश लग जाएगा। आइए चलते हैं, क्या क्या चीज़ें रखी है राशन में। थोड़ा साइड होंगे भाई, क्या क्या चीज़ें रखी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफाक। अच्छा, तो इन लोगों का नाम बता दो, उनके यार रेट भी बता दो। क्या क्या? ठीक है, ठीक है। आलू वाला पेटी से पेटीज और आलू वाले पेटीज का ये 35 का है, ये 50 का है। और ये क्या चीज़ें? ये समोसे आलू वाले, ठीक है, ये 25 का, ठीक है। और आगे चलते कचौरी कितने की? 25 रुपए की। अच्छा, और ये चिकन वाला समोसा 30 का है। अच्छा, ये 30 का है, चिकन रोल 40 का है। अच्छा, ये भी है। और कुछ इसके अलावा? आलू का समोसा बहुत ज्यादा बिकता है हमारे पूरे शहर के अंदर ही। सबसे यूनिक आइटम तो चटकारा है, हम आपको बता रहे हैं। चिकन कचौरी कहते हैं उसे। चिकन कचौरी, अच्छा, वो है आपके पास? भी बना रहे हैं, ऊपर बन रहा है यार, हो रहा भी थोड़ी देर लगेगी। आप पता तो देख सकते हैं। अच्छा, उधर परमिशन नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे, अच्छा, ये जो ये इन चीज़ों की प्राइसेस होती है समोसे कचौरी, ये आपने ये कहीं बढ़ाई तो नहीं? वही है, वही है। नहीं, हमने नहीं बढ़ाई है, ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट रेट से भी 5 रुपये कम है। अच्छा, गवर्नमेंट ने 30 रुपये का रेट दिया हुआ है, हमने 25 का रखा हुआ है। कितना साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये इस दुकान को कितना अर्सा हो गया? दुकान को तकरीबन 8 साल के करीब हो गया है। 8 साल हो गया जी। आपका नाम क्या है? अयास। अच्छा, अभी क्या बन रही है? गरम गरम चलते हैं, इधर का दिखा दे। ओए भाई, ओ रोल 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 बन रहे हैं, चिकन रोल है। और उधर उधर जलेबी रखी है गरम गरम, माशाल्लाह। थोड़ा सा ये भी एक सौगात है, सौगात है। अच्छा ठीक है, ये भी यार सौगात है। ओ भाई जलवा जलवा भाई का जलवा देखे, माशाल्लाह। ओए ओए ओए, अब इसमें करेंगे, इसमें इसको इसको भर लिया है, इसको फोल्ड करेंगे। ओए ओए, अब इसको इसमें यारा तेल में डालेंगे। ये देखें इनके डिज़ाइन, ये देखें, ये अपना ये ना इसको गोल गोल जो है ना बनाया जा रहे हैं जलेबी को। अच्छा, आपके पास वो होती है वो एक और जलेबी की किस्म होती है, कौन सी होती है? इमरती। हाँ, वो कितने की है? वो नहीं रखते? अच्छा, ये देखें इधर रोल चल रहे हैं भाई, ये देखें माशाल्लाह। कितने साल से काम कर रहे हैं आप बताएं जी? आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मतलब दिहाड़ी के नहीं, कितना साल हो गया आपको यहाँ पे काम? मेरे को 2 महीने हुए। 2 महीने हो गए। अच्छा भाई, आपको कितने साल हो गए? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। क्या नाम है आपका? रिजवान नाम है। रिजवान भाई, वाह भाई वाह, क्या जादू है रिजवान भाई के हाथ में। वो जलेबी, अच्छा ये क्या हिसाब है जलेबी? जलेबी 110 रुपये पाव है ये। सही, ठीक, सही सही हो। ये देखिए यहाँ पे ये ना गरम गरम जलेबी बन रही है, आईने बनाई थी और इस आइटम में बनाते हैं ये।
इसमें ये है ना, ये कौन सा आइटम होता है इसके अंदर जो आप बनाते हैं? इसका मैदा इस्तेमाल होता है इसके अंदर। मैदा इस्तेमाल होता है? अच्छा अच्छा, ये यार मैदे से बनती है जलेबी। अच्छा मुझे नहीं पता था क्योंकि। अच्छा सही सही है। फैनी नहीं भी है क्या चीज़? फैनी 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 भी मैदे की होती है। नहीं आप लोग बनाते ही बहुत सी जगह बताएंगे जो कारखाने में बनती है। कारखाने में? अच्छा 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 अच्छा, कारखाने में बनती है भाई, बता रहे हैं इस बार में ही बता रहे हैं फैनी का। तो ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें, इसके अलावा बस यही है ना अभी, और कुछ तो भी वो ज़रा बन के आए। ये कचौरी का इंतजार कर लेते हैं, तो कचौरी का इंतजार करते हैं थोड़े से एक छोटे ब्रेक के बाद। तो भाई जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, जो कीमे वाली कचौरी कह रहे हैं, जो मिर्चपुर घास की बहुत ज़्यादा इनकी शॉप की बहुत गाई स्पेशल आइटम है, ये ज़्यादा बिकता है। देखते हैं कैसी है और क्या क्या रेट है इसके बारे में पता करते हैं, बस थोड़े से इंतज़ार का वक्त है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ठीक है? और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरी कोशिश ये है कि मिर्चपुर घास की जो चीज़ें खाने पीने की हम भी थोड़ा दिखाएं। शाम के टाइम यहाँ पर कैसा रश लगा होता है, तो आप देख ही रहोगे ये रश। तो अभी वो आ जाए कचौरी का, फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है? ओके। गरम गरम रोल उतारे आ रहे भाई, रोल उतार रहे गरम गरम, माशाल्लाह। माशाल्लाह आ गए भाई, वो चीज़ आ गई जो हम आपको दिखाने जा रहे थे, ये आ गए माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त, जिस चीज़ का इंतज़ार था। ओ भाई कचौरी आ गए गरम गरम, थोड़ा बाहर निकाल के दिखाएं, एक कचौरी तो इधर ला के दिखाएं, ये देखें कितनी बड़ी कचौरी, माशाल्लाह चिकन की कचौरी, क्या प्राइस है इसकी? 60 रुपए की है, 60 रुपए की है, कचौरी बहुत बड़ी है और फुल लोड हुई है ना, लोडेड हुई है, ठीक है? तो ये क्या है ना, सब लोग यहाँ की स्पेशल चीज़ थी सिंध स्वीट की। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया, आगे चलते हैं वहाँ के फ्रूट चाट का भी आपको दिखाते हैं, आइए चलते हैं। तो गाइस आगे चलते हैं, अब आपको यहाँ की सिंस अपना इधर की इस चौक की हम है ना चीज़ें आपको दिखाते हैं, ये देखें भाई। ओए भाई ये खजूर का पैकेट क्या कितने का चल रहा है पूछते हैं। ओ भाई रोल वोल जा रहे हैं भाई फुल सी के रेट। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम, क्या क्या चीज़ें बताएं? खजूर हमारे पास और कुछ नहीं, रेट रेट भी बताया ना खजूर, ये 100 रुपये पाओ, ये 160 रुपये या 80 रुपये। अच्छा सही, पैकेट में भी है? पैकेट में, पैकेट में भी है। ये कितने का पैकेट है छोटा वाला? 90 रुपये। ये 90 रुपये का पैकेट है भाई बता रहा है, ठीक है ओके। सवाल तो आगे चलते हैं, फ्रूट चाट आपको दिखाते हैं, जिधर रश देखें यहाँ पे। सही, तो खान नाके में अभी है ना मैं मौजूद हूँ, उसमें अभी मैं बनाऊँगा मुनीर की इंशाल्लाह, वहाँ की भी कल परसों बनाऊंगा। यहाँ देखिए रश कितना बहुत ज़्यादा, यहाँ पे वो अपने ना हिफाजत से आएगा ना, छोटे बच्चे दोनों आए। तो आइए चलते फ्रूट चाट की जगह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? क्या चीज़ दे रहे हैं भाई? फ्रूट चाट कितने की? 50 की 100 की। क्या क्या चीज़ डाली थोड़ा बताएंगे? इसके अंदर सेब है, केला है, खरबूजा है, पपीता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? होते भाई, ठीक है। इसके अलावा और कुछ है या यही अभी फ्रूट चाट ही? फ्रूट चाट ही होती है, ठीक है ओके सही है, ठीक है फैजान भाई के। और यहाँ पे भी चीज़ें बन रही है कचौरी वचौरी वो। तो चलते हैं यार, वीडियो एंड करते हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी वीडियो बड़ी हो चुकी है, ठीक है फैजान भाई? अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो वीडियो का एंड करते हैं, होपफुली आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज़।